बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी आटा। टेस्ट के अनुसार डालेंगे इसमें नमक, 1/4 टेबल स्पून डालेंगे अजवाइन और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे रिफाइंड। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम सॉफ्ट डोव लगा लेंगे। डो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट डोव लगाएंगे। डो हमारा बनकर एकदम तैयार हो चुका है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब बेसन का मसाला बनाने के लिए लेंगे 1 कटोरी से कम बेसन, 1 चम्मच डालेंगे कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच डालेंगे सौंफ ये भी कुटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 टेबल स्पून हींग, हींग थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे, हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, 1 चम्मच डालेंगे ग्रेट की हुई अदरक और 1 बारीक कटी हुई प्याज। अब सारी चीज़ों में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको मल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला हमें इसको नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मल लेना है। इसका डो हमें ठीक उसी तरह से बनाना है जिस तरीके से हम दाल की पिट्ठी बनाते हैं, ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ही ज़्यादा पतला रखना है, इसको ठीक इस तरह का होना चाहिए। तो मसाला भी हमारा तैयार है, अब आटा भी हमारा तैयार है। तो आटे की एक लोई लेंगे इस तरीके से गोल करेंगे, सूखे आटे में डिप करेंगे और इसको गोल बेल लेंगे। एक बार फिर से डिप कर लेंगे और फिर से बड़ा सा बेल लेंगे। बेलने के बाद चम्मच से मसाले को लेकर इसके ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद ब्रश से थोड़ा सा हम इसके ऊपर रिफाइंड लगा देंगे ताकि पराठा हमारा खूब खस्ता बने। अब इसको रोल करेंगे, किनारे से पकड़कर इस तरह से दबाकर इसको रोल करना शुरू करेंगे। रोल करने के बाद इसको सीधा रखेंगे और हल्के हल्के इसको प्रेस करेंगे इस तरीके से और बाद में हथेली से दबा देंगे। एक बार फिर से सूखे आटे में डिप करेंगे और इसको बेल लेंगे। और जैसे ही तवा गर्म होगा इसके ऊपर हम 1 चम्मच डाल देंगे रिफाइंड और तवे को चिकना कर लेंगे, साथ ही इस पर डाल देंगे पराठा और इसको एक साइड से सिकने देंगे और जब एक साइड से थोड़ा सिकने लगेगा तभी हम इसको पलट देंगे। जब दूसरी साइड से भी सिकने लगेगा तब इस पर हम लगा देंगे 2 चम्मच रिफाइंड या घी, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस पर लगा सकते हैं और इसको पलट देंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और किनारों से दबाते हुए इसको सेकना शुरू करेंगे। एक चम्मच रिफाइंड पीछे भी लगा देते हैं। बहुत ही बढ़िया मसालेदार हमारा पराठा बिल्कुल सेक कर तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप इसको चाय या दूध के साथ भी ले सकते हैं, किसी अचार की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे मसाले डाले हैं। और उलट पुलट कर स्लो फ्लेम पर हम इसको सेकेंगे जब तक हमारा पराठा सिक रहा है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम अपना पराठा सेक लेते हैं। तो देखा, सारे किनारों से दबाकर सेकते ही हमारा पराठा कितना बढ़िया सेक गया। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।